के लिए माय डियर यहाँ पे तीन लोगों की जरूरत होती है कम से कम, तीन लोगों की। ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मार्केट, हम तीन लोग हैं या तीस लोग हैं या 300 या 3000 लोग हैं, हम सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। सब लोग 40 बच्चे हैं आपके क्लास में, तो 40 के 40 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास। याद रखेंगे 40 बच्चे आपके क्लास में और उसमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो नाम करेंगे नन ऑफ द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट ओवर देयर इन द क्लास। एक इंटेलिजेंट है तो वन ऑफ द 40, कोई नहीं इंटेलिजेंट है तो कोई की बात नहीं करेंगे, और ऑल इंटेलिजेंट है तो ऑल स्टूडेंट ऑफ द 40 इज वेरी गुड। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? इसके आगे भी पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम, जैसा आपके अभी बताया था हमने कि ईच, ईदर, नीदर ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। तो प्रोनाउन कैसे होते हैं और एडजेक्टिव कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये लिखा हुआ है ईच, क्या लिखा? ईच, ईदर, नीदर प्लस ईच, ईदर, नीदर प्लस सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब ये कि ये जो वर्ड ऊपर में आपको लिखा हुआ है ईच, ईदर, नीदर, और इन तीनों के साथ अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो वो होता है एडजेक्टिव। एग्जांपल के तौर पर ईच बॉय, ईच बॉय, ईदर बॉय या नीदर बॉय, देख लीजिए आप देख सकते हो ओवर बोर्ड पे कि यहां जो ईच के बाद सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन, सिंगुलर नंबर नाउन, अगर ईच, ईदर, नीदर के बाद सिंगुलर नंबर नाउन आता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, तब वो एडजेक्टिव होता है बट नॉट एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। कि ईच ऑफ, ईच बॉय हैज गिवन अ प्राइज, गिवन अ प्राइज, देख सकते हैं ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्यों? फिर से मैं बता दूं क्यों, क्यों नाउन के पहले आने वाले शब्द हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। नाउन के पहले आने वाले शब्द हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं होकर क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन कैसे होगा ये बताते हैं। प्रोनाउन कैसे होगा फिर से यही लिखते हैं, ईच, इधर, नीदर प्लस ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर ये। अगर इसके साथ ऑफ लगाओ, ऑफ के बाद द लगाओ, उसके बाद फिर सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर हो, तब वो होता है प्रोनाउन। जैसे मान लिया जाए यहां पर जिंदगी ईच ऑफ द बॉयज, यह जो सेंटेंस लिखा हो ईच ऑफ द बॉय मतलब ईच भी लग गया, ऑफ भी लग गया, द भी लग गया और प्लूरल नंबर भी लग गया, तब क्या बनता है? ये हो गया आपका प्रोनाउन। और उसमें प्रोनाउन कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव। बात समझ रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को, इसमें जो दो बच्चा हो, हमने बताया था कि ईच के यूज के लिए कम से कम दो बच्चे होने चाहिए, दो नाउन होने चाहिए, दो हो या फिर 200 हो, नो मैटर, इन सारे बच्चों को प्राइज बांटा गया। मान ली ईच ऑफ द बॉयज हैव गिवन अ प्राइज, और इस तरह के जब प्रोनाउन यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में तो माय डियर ये सिंगुलर नाउन होने के बाद भी ये प्लूरल नंबर होता है, इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके अकॉर्डिंग इसका वर्ब यूज करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज
गिवन। अगर अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं चलेंगे तो ये बॉयज है और इसके साथ हैव रहेगा, लेकिन रूल के अनुसार इसके अकॉर्डिंग नहीं जाकर हमें इसके अकॉर्डिंग चलना होता है, और ये होता है हमेशा सिंगुलर नंबर, और दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर नंबर ओवर हियर, राइट। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि पैटर्न जो हमने इसके ऊपर पहले दिया था और ये दूसरा पैटर्न, इन दोनों पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि इच नीदर इधर के बाद ऑफ और दौर नहीं लगा, तब वो एडजेक्टिव हो गया, अगर वो लग गया वो हो गया प्रोनाउन, और उसमें से भी कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फिफ्थ नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब अकॉर्डिंग टू द नेम इटसेल्फ, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करना मतलब जैसे बनती है सूर्य सामने की ओर है, हमारा सूर्य सामने की ओर है, हम अपने हाथ में आईना लेते हैं और आईना दिखाते हैं सूर्य को, सूर्य की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो रोशनी कहीं और जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, और यही सेम चीज आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं कि जब खुद को, आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट माई सेल्फ, जब सब्जेक्ट अपने खुद को रिफ्लेक्ट करता है, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या करता है, खुद को चोट पहुंचाता है, खुद को चोट पहुंचाता है, तब ये माई सेल्फ क्या करता है, आई को रिफ्लेक्ट करता है, आई को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है इसका इसी वो सब्जेक्ट के ऊपर जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल्स मैंने ये नहीं लिखे हैं, आई एम गोइंग टू राइट द एग्जांपल वंस अगेन। एक्चुअली क्या होता है माय डियर कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बनाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इन दोनों वर्ड का हमें जरूरत पड़ता है, बस इन्हीं दोनों वर्ड की सहायता से हम कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक पर्सनल प्रोनाउन होता है, और पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब इस वर्ड को जोड़ दिया जाता है, जोड़ देना मतलब उसको क्या कहते हैं, सफिक्स ऐड कर देते हैं। सफिक्स मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉक्स है और इसमें प्लस ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, बॉक्सेज, इसी को बोलते हैं सफिक्स ऐड करना, सफिक्स। और इस वर्ड को एज अ सफिक्स जब किसी प्रोनाउन में यूज करते हैं तब ये बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे यहां पे लिखा मैंने माई प्लस सेल्फ, तो ये क्या बन गया, माई सेल्फ, ये बन यू प्लस सेल्फ, क्या बना, यू सेल्फ। ऐसे ऐसे क्रिएट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जानेंगे इसको और डीपली, क्या करेंगे और डीपली जानेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको इरेज करना है। ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि कैसे माय, यू, आवर, हिम, हर, दे, इट, वन, इन सबको सेल्फ के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये जितने भी निकल कर रिजल्ट आए हैं माय डियर, ये सारे के सारे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो क्या करता है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। अब बताते हैं कि सिंगुलर नंबर अपने लिए सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज करता है, और प्लुरल नंबर अपने लिए प्लुरल नंबर प्रोनाउन का। सिंगुलर और प्लुरल से मतलब ये कि सिंगुलर अपने लिए सेल्फ यूज करता है और प्लुरल अपने लिए सेल्फ यूज करता है, ये बात, ये आप अपने लिए सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और ये प्लुरल के लिए यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर यूज करके माई सेल्फ बना दिया, ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर यूज करके सिंगुलर नंबर योर सेल्फ बना दिया। कभी कभी ये सेकेंड पर्सन का प्लुरल नंबर भी होते हैं और इसका सेकेंड पर्सन का प्लुरल नंबर भी सेम ही होता है यू, तो आप अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग इसको सिंगुलर मान सकते हैं या प्लुरल मान सकते हैं। अगर सिंगुलर आपने माना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, आपने इसको अगर प्लुरल मान लिया है तो फिर ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ भी
ये प्लुरल नंबर है और इसके साथ ये प्लुरल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर सेल्फ यूज हो गया। सिंगुलर नंबर अपने लिए सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, ये फिर से प्लुरल नंबर और ये प्लुरल नंबर अपने लिए प्लुरल नंबर यूज किया। इट मींस द प्रोनाउन दैट रिलेटेड टू सिंगुलर सिंगुलर नंबर यूज इट्स सिंगुलर फॉर्म एज अ सफिक्स एंड इफ द प्रोनाउन इज प्लुरल नंबर इट यूज और टेक्स प्लुरल फॉर्म इन प्लुरल नंबर। ओके, आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाया जाता है, कैसे मेड किया जाता है। अब इसके आगे पढ़ेंगे, वेट कीजिए थोड़ा सा, आगे पढ़ेंगे। सिक्स नंबर में इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट मतलब निश्चित, डिफिनिट मीन निश्चित और इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। यही आपको अनिश्चित प्रोनाउन यहां पे पढ़ना है। ये अपने आप को अनिश्चित क्यों कहता है ये जानेंगे। यहां लिखा हुआ है डेफिनेशन द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। डज नॉट रेफर, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर थिंग्स को रेफर नहीं करता है, मतलब वैसा प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से हमें मेल और फीमेल का पता ही ना चले, वैसा प्रोनाउन जिससे हमें मेल और फीमेल का पता ही नहीं चले, वही उसी को इनडेफिनिट कहते हैं, अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं कि वो मेल है या फीमेल है। मान लिया यहां पर लिखा हुआ समबडी इज कमिंग, कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है, तो ये कोई में कौन है, मेल है और फीमेल है, पता है नहीं पता। तो जब हमें पता नहीं हो तब हो गया इनडेफिनिट, और जब पता होता है कि ही इज कमिंग, ये हमें पता है ये क्या है, मेल है, है ना, ये हमें पता है, तब ये डेफिनेट हो गया, या फिर पर्सनल प्रोनाउन भी इसको कहते हैं। लेकिन जब पता ही नहीं हो कि आने वाला व्यक्ति मेल है या फीमेल है, अनिश्चित है, तब वैसे प्रोनाउन को माय डियर कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, वो मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं और उस एग्जांपल्स के सहारे और इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। ये जो कुछ प्रोनाउन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं यही होता है माय डियर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसी इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम पूरे ग्रामर में पढ़ते हैं, ये जितने भी आपको नजर आ रहा है ये सब इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट क्यों है, मैंने बताया था कि पता नहीं चलता है कि सेंटेंस में जब ये वर्ड लिखा है तो ये मेल के लिए यूज किया गया है या फीमेल के लिए यूज किया गया है, ये डिफिनिट नहीं होता है, तभी इसको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बात आती है कि इसका यूजेज कैसे होता है, इसका यूजेज कैसे होता है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता रहा हूं पे कि एवरी वन हैज अ वेरी गुड सेंस, मतलब प्रत्येक के पास एक अच्छा व्यूज है, एक अच्छा सेंस है, और ये जो प्रत्येक है वो हमें मालूम नहीं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर हमें दूसरा सेंटेंस यूज करना पड़े, दूसरा सेंटेंस लिखना पड़े इसके आगे कनेक्ट करने के लिए, जैसे राम के साथ लिखते हैं राम इज अ बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए अगर यहाँ पे हमें दूसरा सेंटेंस लिखना पड़े तो क्या हम बार बार एवरी वन ही लिखेंगे, जैसे बार बार राम को नहीं लिखते हैं, क्या बार बार एवरी वन को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। उसके लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। और माय डियर जब कभी भी आपको कभी बुक में या सेंटेंस में या कहीं भी इस तरह का प्रोनाउन दिखता है और इस तरह के प्रोनाउन के लिए आपको दोबारा किसी सेंटेंस को लिखना पड़े तो इन सबको भूल कर आप इनमें से प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि ये डिफिनिट ही नहीं बताता है कि ये मेल है या फीमेल है। फिर हमने अपने अकॉर्डिंग इन सब के लिए प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो मेल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, मेल, अकॉर्डिंग टू
द डिमांड ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अब डिमांड की बात करें तो डिमांड कैसे पता चलेगा सेंटेंस में, ये हमें ही यूज करना है, हिम यूज करना है, हीज यूज करना है या हिमसेल्फ यूज करना है। तो मैं बताता हूं एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पे फिर से लिखता हूं, एवरीबॉडी शुड डू डैश होमवर्क, है ना, एवरीबॉडी शुड डू डैश होमवर्क। यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे प्रोनाउन आपको यूज करना है कि हर एक को क्या करना चाहिए, होमवर्क यूज करना चाहिए। अब ये जो है वर्ड, इसके लिए हमें का क्या यूज करना पड़ेगा, इन चार में से कोई एक यूज करना है। कौन सा यूज करना है, उन चार में से कोई एक यूज करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन चारों में से कौन सा यूज करना है, तो सेंटेंस के फीलिंग को पकड़ते हैं। ये सेंटेंस क्या करे, एवरीबॉडी, हमने कहा कि इस तरह के जो इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी यूज होंगे सेंटेंस में, तो उसके लिए हमें इसी चारों में से कोई यूज करना है, राइट। अब इन चारों में से कौन यूज करेंगे, यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे, एवरीबॉडी शुड डू, ही लगाएंगे, एवरीबॉडी शुड डू ही होमवर्क, नहीं हीज होमवर्क, एवरीबॉडी शुड डू हीज होमवर्क, है ना। अब पता चलेगा कि हीज हमने क्यों लगा दिया, सॉरी हीज क्यों लगा दिया, हिम क्यों नहीं लगाया, हिम क्यों नहीं लगाया। तो माय डियर, आपने शुरुआती में नहीं पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो आपको वहां पे पोजेसिव केस, एब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस वो सारा पढ़ाया था, और उसमें आपने पढ़ा था ये होता है सब्जेक्टिव केस, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, और ये होता है पॉजिटिव केस, ठीक है। उसको उस पैटर्न को अगर आपको याद होगा तो समझने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं तो मैं फिर से बता दूं। ये देखिए, एवरीबॉडी शुड डू, ये है वर्ब, क्या करना है, किसे करना है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पता चलता है होमवर्क करना है। तो ये जो होमवर्क है वो पॉजिटिव केस में यूज किया गया है, और इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव केस का यूज करते हैं, राइट, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। इसके आगे चलेंगे माय डियर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कुछ है नहीं एक्चुअली, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से मतलब है कि वैसा वर्ड जिसको किसी क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम डब्ल्यू एच फैमिली या प्रोनाउंसिएशन के बुक में पढ़े होंगे, डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली मतलब क्या, व्हाट, हू, व्हिच, हूज, हूम, इज, ये सारे जो वर्ड है सब डब्ल्यू एच फैमिली से होते हैं, और इसी को इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। डेफिनेशन के तौर पे मैं बता दूं, एन अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कि जब किसी डब्ल्यू एच वाले वर्ड को सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट मतलब आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस को जब लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ही इज अ बॉय, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब इसमें से जो यहाँ पे वर्ड लिखा है, इसमें से किसी को भी सबसे आगे रख के हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तब वो प्रोनाउन हो जाता है, ये प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन। और इसी को पहले लिखते हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये आपका नाम पूछ रहा है, नाम के जगह पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया। बहुत आसान है, इंट्रोगेटिव पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान से सब टॉपिक है ये, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं अभी बता ही देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ प्रोनाउंस लिखे हुए हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कि हु आर यू, एग्जांपल के तौर पे हु आर यू, मतलब इसका कोई ना कोई नाम होगा,
और नाम होगा तो, और नाम ऑब्वियसली संज्ञा जो होता है नाम या प्रोनाउन उसको आगे लिखते हैं, और उस नाम की जगह पर इस वर्ड को यूज किया गया है, इट मीन्स ये सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा है ऑब्जेक्ट के रूप में कि whom have you invited, whom have you invited, आपने किसे बुलाया, किसे न्योता दिया, तो ये आपने किसे न्योता दिया मतलब ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दूसरा हुज, ऑनर के रूप में, ऑनर यहाँ पे हुज कार इज दिस या हुज पेन इज दिस, ये पेन किसकी है, ऑनरशिप मांग रहा है, पोजीशन मांग रहा है, और जो इस पेन से रिलेटेड मैन होगा उस मैन का नाम है, आप मानिए कि राम का पेन है, राम्स पेन इज दिस, तो ये ऑनर का नाम मांग रहा है और इसको ऑनर के रूप में भी इस यूज करते हैं। फिर व्हाट को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों में करते हैं, व्हाट को व्हाट आर यू मतलब तुम क्या करते हो, क्या करते हो सब्जेक्ट के रूप में आ गया और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कि व्हाट आर यू टॉकिंग यहां पे सब्जेक्ट के रूप में हमने देख लिया सारा यूज। इसके बाद आपको पढ़ना है माय डियर, इसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद रिलेटिव पढ़ना है, लास्ट नंबर रिलेटिव पढ़ते हैं इसके आगे। इस लास्ट प्रोनाउन में जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका पढ़ना है आपको, रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन बताता है उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन भी देख सकते हैं, इट स्टैंड स्टेड ऑफ अ नाउन एंड ऑल्सो ज्वाइंट टू सेंटेंसेज, मतलब इस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन आप जब आगे के क्लास में क्लाउज पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये चीज पढ़ना है, क्लाउज नामक चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लाउज नाम पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि दिस इज द पेन दैट आई हैव बाउट यस्टरडे, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, दिस इज द पेन दैट आई हैव बाउट यस्टरडे, मतलब दिस इज, एक सेंटेंस इधर है दूसरा सेंटेंस इधर है, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट यहां लिखा है सेंटेंस लिखा joins two sentences, तो वैसा प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में उसका रिलेशन बताता है, आपस में उसका कनेक्शन बताता है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ओके राइट। और भी एग्जांपल्स की बात करें माय डियर, तो मैं बता दूं, दिस इज द बुक दैट आई फाउंड स्टडी, फाउंड ये वही बुक है जिसे मैंने कल पाया था, ये वही बुक है जिसे मैंने कल पाया था, यहाँ पे देख सकते हैं दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को दैट यूज कर ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइनिंग वर्ड को ही कंजंक्शन कहते हैं और कंजंक्शन को ही रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं मान लिया जाए आई मेट अंजलि हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम बॉर्ड कॉलेज, आई मेट अंजलि हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हर कॉलेज यहां पे लिखता हूं मैं सेंटेंस, आई मेट अंजलि हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, मैं अंजलि से मिला जो कॉलेज से लौट रही थी, देख सकते हैं आई मेट अंजलि एक सेंटेंस, और ये हु जो है रिलेटिव, इसके जगह पे सी भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे सी अगर यूज करेंगे तो रिलेटिव नहीं होगा। आई मेट अंजलि सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज, सी यूज नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये रिलेशन नहीं दिखाता है, रिलेशन ये दिखाता है।
दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन को शो करता है हु, और इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं कि मैं अंजलि से मिला जो कॉलेज से वापस आ रही थी। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे इसको क्लाउज वाले विषय, अभी फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आप इस लेसन को अच्छे से समझ पाए हैं। अच्छे से समझने के बाद आपके बुक में जो एक्सरसाइजेस दिए होंगे माय डियर प्रोनाउन से रिलेटेड, उस एक्सरसाइजेस को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड श्योर आई विल मेक यू आई विल आंसर यू वेरी शॉर्टली। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।